Next, on page number 20, turn on page 20, street children in Brazil. As in many countries in the world, in Brazil, there is very obvious social inequality. There are many enormously rich people and also vast numbers of extremely poor people living well below the poverty line, who scratch a living as best they can. In Brazil, the problem is very serious because one third of the population earns less than $80 a month and many earn nothing at all. As in many countries, जैसे कि बहुत सारी ममालिक में, the world, दुनिया में, in Brazil, Brazil में, there is very obvious, बहुत ज़्यादा वाज़िया है social inequality. Social inequality means जो समाजी इनजस्टिस है, गैर मतवाजन जो समाजी निज़ाम है, वो ब्राज़ील में बहुत वाजिया है. देर आर मैनी अनॉमलस. सोशल इनक्वालिटी क्या होती है? मीन्स जहाँ पे इक्वालिटी नहीं होती, रिच और पुअर जो हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, फ़र्क होता है. बहुत ज़्यादा रिच लोग होते हैं और गरीब जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, सेम नहीं होते. देर आर मैनी इनॉमसली रिच पीपल, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, एंड ऑल्सो वास्ट और बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं. पीपल लिविंग वेल बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं गुर्बत की लाइन से नीचे. हु स्क्रैच अ लिविंग एज बेस्ट दे कैन, जो कि बमुश्किल अपनी बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी कर पाते हैं. इन ब्राज़ील द प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस. ब्राज़ील में मसला बहुत ज़्यादा संजीदा है बिकॉज वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि एक तिहाई आबादी अर्न्स लेस देन $80, जो $80 से कम एक महीने में कमाती है, एंड मैनी अर्न नथिंग एट ऑल, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं कमाते. ठीक है. मैनी पीपल हैव नो जॉब्स एंड आर इलिटरेट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम या नौकरी नहीं है, एंड आर इलिटरेट, और वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं. दे हैव नो होप ऑफ बेटर लाइफ, उनको अच्छी ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं है फॉर themselves, अब उनके लिए एंड फॉर देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों के लिए. हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, मैनी एज यंग एज 8 years ओल्ड, लीव देयर फैमिलीज, बहुत सारे बच्चे, यानी कई सौ बच्चे, हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, मैनी एज यंग एज 8 years, जिनकी उम्र तकरीबन 8 साल है, लीव देयर फैमिली, अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, बिकॉज नॉट ओनली इज देयर नथिंग फॉर देम एट होम, क्योंकि घर में उनके लिए कुछ भी नहीं होता, बट होम इज़ फ्रीक्वेंटली अ वायलेंट प्लेस. वायलेंट प्लेस कौन सी होती है? हार्मफुल, जहाँ पे तशद्दुद होता है. तो घर जो है वो एक तशद्दुद वाली जगह है जिसको वो छोड़ देते हैं कि 8 साल की उम्र में. दीज होमलेस चिल्ड्रन, ये बेघर बच्चे, लिव ऑन द स्ट्रीट, कहाँ रहते हैं? गलियों में, विदाउट एनी शेल्टर, बगैर किसी छत के. दे बेग फॉर मनी इन ऑर्डर टू बाय द बेरेस्ट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. वो मांगते हैं भीख, पैसे मांगते हैं किस लिए? टू बाय बेरेस्ट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, खाना पीना और कपड़े वगैरह, उसके लिए भीख मांगते हैं. ऑल दो सम पीपल ट्राई टू हेल्प देम, अगरचे कुछ लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, द अथॉरिटीज़ वो शुड डू सो, और जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे गवर्नमेंट है, अगर उसको ये इकदाम करने चाहिए इन बच्चों के लिए, बट वो नहीं करते. डू नॉट, द गवर्नमेंट डज नॉट हेल्प द चिल्ड्रन, हुकूमत बच्चों की मदद नहीं करती, एंड द पुलिस ऑफन यूज़ वायलेंस टूवर्ड्स दैम. गवर्नमेंट, हुकूमत कोई मदद नहीं करती इन बच्चों की, और पुलिस तशद्दुद करती है इन बच्चों पर. एज मोर एंड मोर फैमिलीज अराइव फ्रॉम द कंट्री साइड, कंट्री साइड मीन्स जो अंडर डेवलप एरियाज हैं, जैसे विलेज होते हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं शहरों की तरफ टू ट्राई एंड फाइंड वर्क इन द सिटी, शहर में काम तलाश करने के लिए. द जिग्नेटिक प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन ग्रोज वर्स डे बाई डे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा तादाद है स्ट्रीट चिल्ड्रंस की, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि
ग्रोज वर्स डे बाई डे, जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. ओके, थैंक यू.